हेलो बच्चों, वेलकम टू द अनदर वीडियो फॉर माइंड्स। तो आज वाले लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, बहुत ही सिंपल है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एक बार पढ़ ली हमेशा हमेशा के लिए समझ आ जाएगी और काम खत्म। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि जो इनका नेचर होता है वो कैसा होगा। इसके नेचर की बात करते हैं हम, तो हमें पता है कि हमारे जो लोअर माइंड्स होते हैं, मतलब जिसमें एक नंबर ऑफ कार्बन एटम हो या दो नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, वो कैसे होते हैं, गैशियस होते हैं। और उनकी जो स्मेल होती है ना, वो फिशी स्मेल होती है। ठीक है, बहुत ही गंदी सी स्मेल होती है, फिशी स्मेल होती है। ठीक है, उसके जैसे हम कार्बन एटम्स को इंक्रीज करते हैं, लाइक टू और थ्री कार्बन एटम्स हो गए जिसमें, तो वो जो अमाइंस होंगे उनकी स्मेल कैसी होगी, स्मेल के बारे में बात नहीं करेंगे, उनका हमें ये देखना है कि नेचर कैसा होगा, तो कैसे होंगे, हमारे लिक्विड होंगे। ठीक है, और फिर जिसमें तीन या उससे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं, तो वो कैसे हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात ही की है। ठीक है, लेकिन इस आपको ये पता होना चाहिए, जैसे जैसे हमारा मास इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे हमारा गैस लिक्विड में चेंज होता है एंड देन लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या होता है कि जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा तो क्या होता है, हमारे वंडरवर्ल्ड फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन इंक्रीज हो जाते हैं। और अगर वंडरवर्ल्ड फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन इंक्रीज हो गए, तो आपको पता है अगर इंट्रैक्शन ज्यादा हो गए, देखो एक तो ये गैस कैसे होती है, बहुत ही ऐसे स्प्रेड आउट होती है। ठीक है, लिक्विड कैसे होगा, थोड़ा आस पास होगा, और सॉलिड कैसे होगा, बिल्कुल पैकिंग फ्रैक्शंस ऐसे। तो इसमें जो इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, इनके बीच में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे हमारे मॉलिकुलर फोर्सेज इंक्रीज करने लग गए, एटम्स इंक्रीज होंगे, मॉलिकुलर फोर्सेज इंक्रीज होंगे, उससे क्या होगा, गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, हमारा सॉलिड में। ठीक है, तो ये था इसका नेचर, जो कि बहुत ही सिंपल था। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इसका क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसी से रिलेट करता है। मैंने आपको एल्केन जब मैंने पढ़ा रही हूँ या मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, तो उसमें भी मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की है। वहाँ पे मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड जो बात बताई है वो क्या बताया है कि बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे हम मास को इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, क्योंकि क्या होता है, वन डबल फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन बढ़ती है। तो वहीं यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन क्या होता है, जो वन डिग्री, अब इसमें जो कंसेप्ट लगे वो क्या लग रहा है, जो वन डिग्री और टू डिग्री अमाइंस है उसमें क्या हो रही है, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कैसे देखते हैं कैसे होएगा। देखो मैं वन डिग्री अमाइन लिख रही हूँ, हमें पता है वन डिग्री अमाइन में कितने एच होते हैं, तीन एच होते हैं। अब मैंने लिखा एक और नाइट्रोजन, यहाँ पे लिखा मैंने आर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे लिख देते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन आर आर एन एच टू होते हैं ना। ठीक है, ऐसे लिखा मैंने। अब क्या किया मैंने, इनके बीच में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, इस वाले नाइट्रोजन और इस वाले हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो इंक्रीज करती जाएगी, और भी मॉलिक्यूल्स होते जाएंगे, उनके साथ क्या होती जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती चली जाएगी। तो ये जो इस टाइप की बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कौन सी, हमारी इंटरमॉलिक्यूलर। देखो दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। देखो इंटरमॉलिक्यूलर मतलब आपस में करें अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब मेरे पास एक कोई भी एक एटम है, मतलब आर एन एच टू मान लो, फिर एक बी एटम है आर एन एच टू, फिर एक सी है, एक डी है, तो अगर ये आपस में करें ना ये सब, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये है हमारी इंटरमॉलिक्यूलर। लेकिन अगर ए ही है हमारे पास और वो खुद के साथ ही करे, तो उसको बोलेंगे हम इंट्रा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम फिनॉल वाले केस में देखते हैं, यहाँ पे सी एच ओ एच है, यहाँ पे सी एच ओ है। ठीक है, तो जो यहाँ पे अनिष्ट मान लो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, हमारी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो हमें क्या बोल रहे हैं, जो अमाइंस वाला केस है वहां पर क्या हो रही है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, जो कि हमारी ये हो रही है। अब हमने देख लिया वन डिग्री और टू डिग्री अमाइंस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो ज्यादा होता है। वहीं जो थ्री डिग्री अमाइन होता है उसमें हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो क्या होगा, सब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, हमारे पास क्या नहीं होते, हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स ही नहीं होते। क्या है, आर थ्री एन, क्या से बना, आर तीन आर लगा दिए। ठीक है, फिर एन आर आर, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हो आप, नहीं कर सकते ना, इसलिए जो थ्री डिग्री अमाइन है इसमें हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। बाय इन द टू डिग्री अमाइन एंड वन डिग्री अमाइन, ये वन डिग्री हो गया और ये क्या हो गया, टू डिग्री, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि एन और एच दोनों प्रेजेंट है इसमें। देखो एन एन एच, एन क्या हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एन क्या करेगा, डेल नेगेटिव, और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर ऐसा ऐसा एन एच मॉलिक्यूल और आता है
तो ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, तो इसलिए जो 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइंस इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास अमाइंस है और आपके पास एल्कोहल है, अगर इन दोनों में बोल लूँ मैं कि मुझे इनमें बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो आप क्या बताओगे मुझे? देखो, अगर आपको जो चीज़ समझना है ना, एग्जाम के लिए भी बता रही हूँ, तो आपको क्या करना है, आपको उसका स्ट्रक्चर लिख लेना कैसे बनता है वो। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, आर ओ एच लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा के देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाएंगे तो यहाँ पे कर लेगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी कर लेगा और ये भी कर लेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों ही करते हैं। ठीक है, लेकिन कौन ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, एल्कोहल। इसका रीजन क्या है, देखो हमारे पास ऑक्सीजन है यहाँ पर जिसको हमें देखना है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो हमें पता है जो ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन से ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये आर ओ एच, ठीक है, ये क्या करेगा, ये इसको होल्ड करके रखेगा। ठीक है, फिर अगर ये हाइड्रोजन किसी और मॉलिक्यूल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रही हूँ मैं, तो ये क्या करेगा, ये इसको खींचेगा, फिर ये इसको खींचेगा, मतलब जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, ज्यादा खींचेगा इसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गई तो हमें पता है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात थी अगर मैंने इन दोनों के बारे में पूछा, बट हम तो माइंस पढ़ रहे थे, हमें माइंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो मुझे बताओ, 1 डिग्री अमाइन है हमारे पास, 2 डिग्री अमाइन है हमारे पास, और 3 डिग्री अमाइन है, इनमें हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा? तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर किस अकॉर्डिंग रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग। कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, 1 डिग्री में आर एन एच टू, तो यहाँ पे हम कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा सकते हो, यहाँ पे हम कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा सकते हैं, देखो नाइट्रोजन है एक, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, फिर हाइड्रोजन के साथ इस वाले के साथ, एंड देन इस वाले के साथ। ठीक है, यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे हमारी हो रही है 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, वैसे ही अगर मैं लिखती हूँ 2 डिग्री अमाइन आर एच, तो यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कोई और मॉलिक्यूल आएगा, एक तो नाइट्रोजन साथ बनाएगा, देन हाइड्रोजन के साथ भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे कितनी होगी, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अब 3 डिग्री अमाइन लिखते हैं, आर एन आर आर, तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ बना सकते हैं, लेकिन कौन बनाएगा, हमारे पास तो नाइट्रोजन अगला अगर मॉलिक्यूल हुआ तो वो भी कैसे होगा, आर एन आर। तो ये देखो, अगर आप बोल रहे हो नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन भी कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हम क्या कहेंगे, देखो ये नाइट्रोजन किसके साथ करेगा, आर के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, नहीं होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के होती है, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, एन एन के साथ भी नहीं कर सकता, अगर एन एन के साथ करेगा बॉन्ड बनाता, मान लो वैसे तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होगी, एन एन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, बट फिर भी आपने चलो बॉन्ड बना दिया नाइट्रोजन नाइट्रोजन का, तो ये देखो इसके ऊपर भी लोन पेयर्स है, इसके ऊपर भी लोन पेयर्स है, तो इनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी बहुत ज्यादा, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है, तो इसका मतलब ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन आपस में अभी बॉन्ड ही नहीं बना सकते, अगर ये बॉन्ड नहीं बना सकते तो बात तो खत्म होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं हो रही यहाँ पे और ये बॉन्ड भी नहीं बना सकते, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी, हमारी क्या है, 0 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और हमें पता है कि जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, ये किसका ऑर्डर रहेगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर रहेगा। ठीक है, क्योंकि किसके बेसिस पे देखा हमने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे देखा, अगर आपको एग्जाम में भूल भी जाओ किसका ज्यादा होता है, तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के देख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जो थर्ड आता है, सबसे लास्ट पॉइंट है इसका, फिजिकल प्रॉपर्टीज का, वो क्या है इसकी, सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी को किससे देखेंगे हम, देखो अमाइंस के आर एन एच टू, कैसा ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, क्या है हमारा, पोलर है, और हमें क्या पता है, लाइक डिजोल्व्स लाइक। ठीक है, तो पोलर पोलर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, मतलब आर एन एच टू किसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा, हमारे वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि वाटर भी क्या होता है हमारा, पोलर होता है, तो लाइक डिजोल्व्स लाइक। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट में यहाँ पे बता देती हूँ नोट करके, वो क्या है, देखो हमारा आर एन एच टू है, ठीक है, हमारे नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर्स है। ठीक है, इसके ऊपर लोन पेयर्स देते हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, एज अ लेविस बेस की तरह एक्ट कर रहे हैं, और ये अपनी क्या कर सकता है, लोन पेयर्स को डोनेट कर सकता है। अगर ये लेविस बेस की तरह एक्ट कर रहा है, तो जो वाटर है हमारा वो किसकी तरह एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा लेविस एसिड की तरह, और लेविस एसिड क्या करते हैं, ये हम जब पढ़ेंगे ना केमिकल प्रॉपर्टीज, ये मैं आपको अच्छे से तब एक्सप्लेन करूंगी, वरना ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो यही था हमारी इसकी क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। आई होप आपको समझ आ गई होंगी, और कुछ डाउट हो तो मुझसे आपका कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।